हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्वालिकेटिव प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर टू पढ़ेंगे जिसमें हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फिर बाद में हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फिर हम ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर की स्टडी करेंगे लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट स्टडी जो है इंट्रोडक्शन देखा था क्वालिकेटिव प्रॉपर्टीज का जिसमें हमने एक क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसका नाम था रेलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर चलिए जानते हैं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी में आता है और इसका मीनिंग क्या होता है ग्राफिकल स्टडी भी करेंगे इसकी देखिए अगर क्वालिकेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन के हिसाब से चले तो हमें पता है कि ये सभी वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि सोल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है है ना सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये दोनों मिल करके एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं अब यहाँ पर सोल्यूट पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज ही आपकी क्या होती है क्वालिकेटिव प्रॉपर्टीज अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को जानने से पहले पहले हम बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग समझते हैं बॉइलिंग फिनोमिना क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारे पास सपोज एक कंटेनर है जिसमें कि प्योर लिक्विड है और प्योर लिक्विड के फॉर्म में हमने यहाँ पर सपोज वाटर ले लिया अब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं वो इवेपरेट होंगे और इवेपरेट होने के बाद एक कंडीशन इसकी आएगी जिस समय यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर यानी इन वेपर्स का जो कि एच टू लिक्विड के वेपर्स हैं इनका वेपर प्रेशर जिस समय एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए यानी एटमोस्फेयर के द्वारा पड़ने वाला एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है ठीक उसके इक्वल हो जाएगा तो उस समय हमारा लिक्विड जो है बॉइलिंग स्टेट में आ जाएगा और जिस टेम्परेचर में ये फिनोमेना रीच करता है यानी जिस समय हमारे पास इतनी वेपर्स हो जाएं और उनके द्वारा पड़ने वाला वेपर प्रेशर इतना हो इतना प्रेशर हो कि उसका मैग्नीट्यूड एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो लिक्विड जो है बॉइलिंग स्टार्ट होनी स्टार्ट कर देता है और जिस टेम्परेचर में जिस टेम्परेचर में ये कंडीशन हम अचीव करते हैं वेपर प्रेशर को इक्वल टू एटमोस्फेयर प्रेशर उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं वही हमारा बॉयलिंग पॉइंट होता है तो बॉइलिंग पॉइंट को समझ गए होंगे आप लोग कि क्या होता है फिर से रिपीट करते हैं किसी भी लिक्विड का ठीक है अब ये बॉइलिंग पॉइंट हर किसी का डिफरेंट होता है देखिए रीजन यही है कि इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हर मोलिक्यूल के डिफरेंट होते हैं तो किसी की वेपर्स जो है जल्दी एटमोस्पेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाती है यानी कम टेम्परेचर में ही एटमोस्पेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाती है और बॉयल हो जाता है अब वाटर का ही है हंड्रेड डिग्री सेल्सियस पे इतनी वेपर्स बनती है कि उनके द्वारा जो पड़ने वाला वेपर प्रेशर है वो एटमोस्पेरिक प्रेशर के इक्वल होता है एट हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो हमारा पानी या लिक्विड वाटर जो है बॉयल होता है तो अलग अलग टेम्परेचर होते हैं बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग लिक्विड के लिए वो डिपेंड करता है निर्भर करता है उनके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्स पे अब बात करते हैं यहां पर इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है देखिए ये जो बॉइलिंग पॉइंट आया था ये प्योर वाटर का है है ना तो ये प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है प्योर वाटर से मतलब है कि जिस समय इसमें कोई भी वाटर के अलावा कुछ भी इम्प्योरिटी एड नहीं है अब हम इसमें कोई नॉन वॉलीटाइल सॉल्यूड को ऐड करेंगे और जैसे ही नॉन वॉलेटाइज सॉल्यूट ऐड करेंगे और फिर हम इसको बॉयल करेंगे और ये देखेंगे कि इस बार ये हंड्रेड डिग्री सेल्सियस में बॉयल नहीं होगा ये किसी दूसरे टेम्परेचर में बॉयल होगा जो कि इस हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा इसीलिए इसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करेंगे कि प्योर वाटर में ठीक है पहले तो इससे पहले जो स्टेट थी हमारी प्योर वाटर थी यानी कुछ भी ऐड नहीं करता प्योर वाटर था जो कि हमने देखा हम सब जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस में ये वाटर बॉईल करना स्टार्ट करता है लेकिन जैसे ही हम इसमें नॉन ऐड करेंगे तो इसकी पॉइंट डिफरेंट हो जाएगी बदल जाएगी बदल और वो कुछ हंड्रेड डिग्री सेल्सियस से आगे ही होगी वेपर प्रेशर जो है boiling, uh, sorry, के हो जाए। अब आप जानते हैं कि ये हमारा सपोज लिक्विड है और यहाँ पर हम कुछ पार्टिकल्स या हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्युड के दिखा देते हैं, हैं ठीक है? है हमारे पास ये कुछ solute ये कुछ आ गए। क्या करते है? कि इन water molecule के बीच में ही कहीं जगह बनाएंगे, है ना? तो ये water molecule के बीच में ही अपनी space बनाएंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या चाहिए था अभी तक तो उनके बीच में हम उनको टेम्परेचर दे रहे थे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही थी जिससे अट्रैक्टिव फोर्सेस को ब्रेक करके मॉलिक्यूल इजीली एस्केप हो जा रहा था एटमॉस्फेयर में अब आप जानते हैं जो क्या है? है। अब ये खुद तो नहीं। और जो हमारा जो सॉल्वेंट है जो, जो कि वाटर है हमारे पास ठीक है हम एग्जाम्पल वाटर का ले रहे हैं तो ये वाटर के मॉलिक्यूल जब इवेपोरेट होने के लिए जाएंगे तो इन मॉलिक्यूल का सामना करना पड़ेगा यानी ये इनको वापस एक तरीके से टकरा करके नीचे भेज देंगे यानी इनको इजीली इवेपोरेट करने नहीं देंगे क्योंकि बीच में ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमारे आ जा रहे हैं अब जो भी बची हुई स्पेस होगी उनसे कुछ मॉलिक्यूल निकल करके यहाँ पर वेपर्स बनाएंगे और अगर हम यही कंडीशन हंड्रेड डिग्री सेल्सियस में करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो वेपर्स अब बन रही हैं क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट तो बीच में आ जा रहा है वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट तो मॉलिक्यूल इवेपोरेट करने ही नहीं दे रहा है बीच में अपना है

वो इतना सफिशियंट बन गया है जो कि एटमोस्पेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा और जैसे ही एटमोस्पेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तो इस टेम्परेचर में हमारा लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा वही इसका बॉयलिंग पॉइंट लेकिन इस बार हमने क्या देखा हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है इंक्रीज हुआ है एलिवेट हुआ है ठीक है इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी समझते हैं कि ये ग्राफ कैसे समझा रहा है ठीक है देखिए यहाँ पर जो ग्राफ है वो है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है और यहाँ पर जो दो कर्व हमें दिखाई दे रहे हैं एक है सॉल्वेंट का एक है सॉल्यूशन सॉल्वेंट मतलब कि प्योर सॉल्वेंट जिस समय इसमें सॉल्यूट ऐड नहीं किया है ये वेपर प्रेशर बढ़ेगा वेपर प्रेशर ऊपर को इंक्रीज कर रहा है और ये पॉइंट जो है आपका एटमोस्फेरिक प्रेशर का है ये लाइन वेपर प्रेशर की अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगी ठीक है तो उस समय हमारा लिक्विड बॉयल हो जाएगा देखिए ये हमारे पास कर्व है पहले हम प्योर सॉल्वेंट का देखते हैं जब हमने उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर्स बनी वेपर्स बनते बनते वेपर प्रेशर भी बढ़ा मतलब वेपर वेपर्स का पड़ने वाला प्रेशर बढ़ा और वो इतना बढ़ा कि वो एटमोस्फेरिक प्रेशर के इस पॉइंट में इस पॉइंट में जो है एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया देखिए ये वेपर प्रेशर का ग्राफ है आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और वो टेम्परेचर है टीबी नॉट ठीक है तो मान लेते हैं वो टेम्परेचर कितना था टीबी नॉट है जिस समय प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया और हमारा लिक्विड बॉइल हो गया लेकिन अब आप देखते हैं अब सॉल्यूशन प्रिपेयर कर चुके हैं यानी इसी सॉल्वेंट में अब आपने सॉल्यूट ऐड किया है तो जैसे ही सॉल्यूशन प्रिपेयर किया तो आप देख सकते हैं कि इससे बनने वाली वेपर्स इतनी सफिशियंट नहीं बनी है कि वो इस एटमोस्फेरिक प्रेशर की लाइन से काफी नीचे है यानी अभी इसको यहाँ अगर इसका इंटरसेक्शन होता तो हम कहते तो हैं तो, है, तो, है, है तो हमने क्या किया टेम्परेचर टीबी नॉट से बढ़ा करके डेल्टा टीबी और ऐड कर दिया यानी अब एक नया टेम्परेचर और ऐड कर दिया चेंज कर दिया टेम्परेचर में दैट इज टीबी जो कि टीबी से टीबी नॉट से बड़ा है तो टीबी नॉट से बढ़ा करके टेम्परेचर हमने टीबी कर दिया यानी डेल्टा हमने वो चेंज दिया है का तो के हुआ। और जैसे ही इस पॉइंट में एटमोस्फेर प्रेशर के इक्वल हुआ तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हुआ और हमारा लिक्विड बॉयल हो गया तो आपने इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझा कि कैसे यहाँ पर शर को बढ़ाया जा सकता है बाई इंक्रीजिंग द टेम्परेचर अब कुछ बातें को यहाँ पर ध्यान में रखते हैं ठीक है जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो चेंज इन टेम्परेचर है देखिए ये है क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी और क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि वह मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है ठीक है अब हमारे पास जो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है डेल्टा टीबी अगर मैं उसी डायग्राम को ध्यान से बनाऊ सपोज और यहां पर दिखाऊं ये सॉल्यूट के पार्टिकल है सपोज मान लीजिए और ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स अगर जितने ज्यादा बढ़ जाएंगे उतनी कम वेपर बनेगी तो हमें उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा मान लीजिए सॉल्यूट के पार्टिकल अगर आप बढ़ा देते हैं यानी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा देते हैं सॉल्यूट के तो क्या यहां से वेपर्स बनेंगी बहुत मुश्किल से बनेंगी तो इसका मतलब अगर आपको बॉईल करना है लिक्विड को तो आपको तो और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तो इसका मतलब जो चेंज आ रहा है टेम्परेचर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के क्योंकि हम यहां पर एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं और नंबर ऑफ सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिजॉल्व जो होता है उसके कंसनट्रेशन को मेजर किया जाता है या तो मोलैरिटी में या फिर मोलैलिटी में ठीक है नॉर्मैलिटी में भी करते हैं लेकिन अभी हम यहां पर क्या करेंगे मोलैरिटी और मोलैलिटी में से किसी एक को कंसनट्रेशन को चूज करेंगे आप देख रहे हैं

और टेम्परेचर के चेंज के साथ हम जानते हैं चार्ल्स का एक लॉ था कैसे लॉ है सोल्यूशन के लिए भी अप्लाई होता है कि अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज करेंगे तो टेम्परेचर में भी चेंज आएगा या टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा और अगर वॉल्यूम में चेंज आएगा तो मोलैरिटी में भी चेंज आएगा तो इसलिए हमारा कंसनटेशन जो है बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा तो हम सेलेक्ट करते हैं मोलेलिटी क्योंकि मुलालिटी में जो है मास ऑफ सोलवेंट और मास में टेम्परेचर का कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है तो आप समझ गए कि जितने ज्यादा मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐड किए जाएंगे वेपर्स उतनी कम बनेगी और उतना ज्यादा टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा तो यानी जो चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ है यहाँ पर मोलैलिटी के ठीक है मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ठीक है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन के ऑफ सोलवेंट ठीक है ये सोलवेंट का मास है जिसको हम किसमें क्या लेंगेजी वन के जी में ठीक है अब इसमें अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा दें तो ये डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम हो जाएगा ठीक है और इस के बी को बोलते हैं मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट इसको कहा जाता है मोलल एलिवेशन एलिवेशन कॉन्स्टेंट ठीक है तो इसको कहा जाता है मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट और एक और नाम है इसका कई बार यूज होता है जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एब्लुस्कोपिक कॉन्स्टेंट ई बी यू एल एल आई ओ एस थोड़ा नेम इसका टिपिकल है लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये नहीं बोला जाता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कई बार एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट भी वैल्यू बोल दी जाती है और हमें केबी की वैल्यू इस नेम से भी दी जाती है तो ये कॉन्स्टेंट जो है मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट है या फिर हम इसको बोल बोल सकते हैं मोलल एबिलोस्कोपिक कॉन्सटेंट अब इस मोलर कांस्टेंट की अगर हम बात करें इसका मीनिंग क्या है तो देखिए इसकी डेफिनेशन को हम इजीली समझ सकते हैं इसका मतलब होता है कि एक वन मोलर सॉल्यूशन ठीक है किसी भी बॉय एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट टेम्परेचर यानी हमें देखना है कि एलिवेशन जो हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट का किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर में तो वो है कि सॉल्यूशन जिसमें एक मोल का सॉल्यूट तो हमें ये देखना है कि अगर एक मोल का सॉल्यूट किसी में हम इसको अगर इजी भाषा में बोले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर फॉर वन मोलल सॉल्यूशन तो एक मोल के लिए बात कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर हम मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के बी की जो है डेफिनेशन को भी लिख लेते हैं दैट मींस इसका मीनिंग यही है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ठीक है बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर फॉर ये इंपॉर्टेंट है फॉर वन मोल लल फॉर वन मोलल मोलल मतलब मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन ठीक है वन मोलल सॉल्यूशन इसका मतलब ये वो सॉल्यूशन जिसमें एक मोल सॉल्यूट का एक के जी में डिजोल्व है ठीक है तो यहाँ पर वन का मतलब यही है कि वन मोल ऑफ सोल्यूट इन के जी ऑफ सोल इस की वैल्यू को डायरेक्ट हम कैलकुलेट अगर हम करना चाहते हैं तो यहां पर हम इसके लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन uh, है दैट इज नॉट नॉट ठीक है Tb मतलब वेपर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई था इन टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अब ये क्या मीनिंग है मोलर मास तो मतलब ठीक? ठीक है मोलर मास चाहे वॉटर हो या कोई भी लिक्विड है मोलर मास ऑफ सोलवेंट ठीक यानी किसी भी मोलर मास को हम किसमें निकालते हैं ग्राम पर मोल में आर जो है यहां पर गैस कॉन्स्टेंट हो जाएगा ठीक आर की वैल्यू जो है आपकी गैस कॉन्स्टेंट होगी जितनी वैल्यू गैस कॉन्स्टेंट के लिए ली जाती है वही वैल्यू यूज की जाएगी यहां पर ठीक आर इज गैस कॉन्स्टेंट फिर इसके बाद जो टी बी नोट है हमारा आई टोल्ड यू टी बी नोट यहां पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या पे प्योर सॉल्वेंट जिस समय सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं किया है यानी ओनली सॉल्वेंट और यहां पर डेल्टा एच वेपराइजेशन का मीनिंग क्या है यह है मोलर एन ऑफ वेपराइजेशन यह है मोलर एन ऑफ वेपराइजेशन अब इसका मीनिंग भी अगर आप थोड़ा समझे इसका मतलब अगर हम इजी भाषा में यह भी कहें कि मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ये भी कह सकते हैं ठीक है मोलल ठीक है मोलर सॉरी मोलर लेटेंट लेटेंट हीट, हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखिए लेटेंट हीट क्या होती है वेपराइजेशन की इसको भी समझते हैं ठीक है इसका भी पता होना चाहिए। देखिए लेटेंट हीट का मतलब है कि ये वो हिडन हीट है जिसका यूज करके लिक्विड हमारा वेपराइज हो जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हम एक वर्ड बोलते हैं डेंजरस ए हंड्रेड डिग्री सेल्सियस वाटर और स्टीम अब आप जानते हैं कि वाटर को अगर हम हंड्रेड डिग्री सेल्सियस में रख रहे हैं ठीक है ये हंड्रेड डिग्री सेल्सियस है और लिक्विड है और यहाँ से स्टीम भी बन रहा है अब जो ये वेपर्स है और हम कितना ही यहाँ से हीट दे दे प्योर लिक्विड की बात कर रहा हूँ ठीक है आई एम एक्सप्लेनिंग लेट एंड हीट क्या होती है लेट हीट ठीक है यहाँ पर लेट हीट ऑफ वेपराइजेशन तो यहां पर से क्या होगा <coughs> कि वेपर्स जब बनेंगी तो वो वेपर्स जो होंगे 100 डिग्री सेल्सियस में स्टीम में कन्वर्ट हो रही है और आप यहाँ से कितनी हीट दीजिए ये 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर राइज नहीं होगा यानी ये 100 से 100 डिग्री वन नहीं होगा है ना ये क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि जैसे ही हम हम पर एक्स्ट्रा हीट दे रहे हैं वो हीट को एब्सॉर्ब करके मॉलिक्यूल अपनी स्टेट चेंज कर दे रहा है ठीक है लिक्विड से वेपर्स में आ गया तो यानी जो वो हीट हम जो दे रहे हैं यहाँ से कंटिन्यूसली हंड्रेड डिग्री का मेंटेन रहेगा

तो यहां पर हिडन हीट है जिससे वेपर्स में कन्वर्ट हो गया बट टेम्परेचर नहीं होगा या अगर हम इन वैल्यूज को अगर हमें ये पता हो तो हम किसी भी लिक्विड का मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट को निकाल सकते हैं जो की के भी होगा सो आई होप्स आपको ये समझ में आया अब अगर हम बात करें ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या होगा देखिए ऑब्जर्वड मोलर मास का मतलब वही है कि हमारा जो मोलर मास यूज हुआ है सोल्यूट का सोल्यूट का क्योंकि हम तो प्रिपेयर कर रहे हैं सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट और सोल्यूट हमारा नॉन वॉलिटाइल है सॉल्यूट के ऐड होते ही एलिवेशन हुआ था है ना सॉल्यूट के ऐड होते ही एलिवेशन हुआ था यानी सॉल्यूट का मोलर मास जो होगा वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होगा तो चलिए बात पता करते हैं कि इसका ऑब्जर्वड मोलर मास क्या होगा एक्सपेरिमेंटल मोलर मास क्या होगा जब ये एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कर रहा होगा ठीक है तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है हम डायरेक्टली लिख देते हैं केबी एम जहां पर हम एम को बताते हैं ठीक है ये मोलैलिटी है और मोलैलिटी का मतलब होता है कि हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑफ सॉल्यूट नंबर मोल ठीक है सॉल्यूट मैं यहाँ पर सॉल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करता हूँ पर के जी ऑफ सोलवेंट यानी जो सोलवेंट है ठीक है बी से रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्यूट को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोलवेंट को मास भी आएंगे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे सो नंबर ऑफ 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 मोल्स सॉल्यूट पर अब क्योंकि हमारे पास जनरली ग्राम्स में होते हैं तो हम उसको मल्टीप्लाई करके थाउजेंड से डिवाइड कर देते हैं सो हमारे पास ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर के जी ऑफ सोलवेंट ठीक है सोलवेंट जो होगा इन के जी होगा तो इसलिए हम उसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब क्योंकि हम जानते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के वो जनरली जो है गिवन मास मास ऑफ ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट और मोलर के बराबर होता है क्योंकि हमारी वैल्यूज जो है लगातार डेल्टा टी बी की चेंज होगी ठीक है और हमारे डब्लू बी यानी गिवन मास वो भी चेंज हो सकता है तो इसलिए ऑब्जर्व्ड मास हर बार क्या होगा डिफरेंट आएगा यहाँ पर डब्लू ए इंटू थाउजेंड ये हमारा एम बी जो है ठीक है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यही आपका क्या है ऑब्जर्व्ड मोलर मास है यानी डे एम बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्लू ए इंटू थाउजेंड यानी ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगे हमें पता है गिवन मास चेंज हो सकता है डेल्टा टीवी भी चेंज हो जाएगा तो इसीलिए हमारा ऑब्जर्वड मोलर मास भी चेंज हो जाएगा तो ये सारी बातों में डिपेंड करता है तो ये याद रखना है इसके लिए कंडीशन यही है कि सोल्यूट आपका नॉन वॉलिटाइल होना चाहिए ठीक है और एक वेरी इंपॉर्टेंट इसमें कि ये सोल्यूट जो है डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं करेगा मतलब कि जब सॉल्वेंट में एंटर होगा तो ना ही वहां पर ये टूटेगा ठीक है जैसे एन है अगर वो ब्रेक हो जा रहा है

फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब है इसकी डेफिनेशन या अगर हम देखें तो ये होती है कि, कि किसी भी लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए ठीक है यानी जो वो लिक्विड है सपोज हमारा यहाँ पर वाटर और आइस की बात करें ठीक है वाटर हमारा लिक्विड है आइस उसका सॉलिड स्टेट है तो जो लिक्विड का वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड वेपर प्रेशर ठीक है जिस समय लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है सॉलिड के वेपर प्रेशर के ठीक है तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा सॉलिड वेपर प्रेशर, हमारा कोई भी लिक्विड जो है वो फ्रीज होना स्टार्ट कर रहा है देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए कि जो पॉइंट जो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट होता है किसी का वही पॉइंट जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट भी यानी अगर हम कह रहे हैं कि जीरो डिग्री सेल्सियस में वाटर हमारा फ्रीज होता है तो जीरो डिग्री से नीचे फ्रीज होगा और जीरो डिग्री से ऊपर वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगा यानी ये पॉइंट जो है इसका पॉइंट है है ये स्टेट ऑफ पर लिक्विड और सॉलिड दोनों ही को करते हैं है ना तो ये सबसे पहले समझना है कि अगर हमारा लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए फिर से बोल रहा हूँ लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और वो टेम्परेचर टेम्परेचर जिस टेम्परेचर में ऐसा होगा उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट अब देखिए इसका मीनिंग क्या है इसको समझना कैसे है अब ये बात को आप ध्यान से समझिए कि सॉलिड uh, के भी वेपर्स प्रेशर वेपर्स होती हैं बिल्कुल होती हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कहें uh, हमारे पास कैम्फर होता है कपूर जिसको बोलते हैं कैम्फर तो वो भी वेपराइज उसका भी सब्लिमेशन होता है हम देखते हैं सॉलिड भी वेपर्स में कन्वर्ट होता है सबलाइन होता है है ना विदाउट चेंजिंग इन टू द लिक्विड वो भी वेपर्स बनाती हैं सॉलिड तो हर सॉलिड का भी अपना एक होता बहुत माइन्यूट होता है वही समझना है कि उस लिक्विड का वेपर प्रेशर बहुत कम होना चाहिए इतना कि सॉलिड के बराबर तो वो फ्रीज होने लग जाएगा है ना तो ये इसका स्केल है तो यही फ्रीजिंग पॉइंट होता है अब इसको समझने के लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प लेते हैं ठीक है तो ग्राफ ग्राफ के अनुसार यहाँ पर हमारे पास ग्राफ जो है वो है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ठीक है तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफिक्स देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसी का इसी की एप्लीकेशन यूज़ होती है कि हिली एरियाज़ में जो गाड़ियाँ चलती हैं ठीक है, है जहाँ पर टेम्परेचर जो है जीरो डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है जैसे कि लेह लद्दाख वगैरह तो वहाँ पर जो कार्बोरेटर होता है यानी जहाँ पर वाटर का यूज़ होता है वहाँ पर उसमें कुछ एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन भी ऐड किए जाते हैं तो वो इसीलिए क्योंकि ताकि टेम्परेचर गिर जाए चलिए बात करते हैं क्या है इसकी पहले हम इसका डिप्रेशन का मीनिंग समझते हैं कि डिप्रेशन का मतलब क्या है ठीक है यहाँ पर डिप्रेशन क्या समझा रहा है आ, अगर आप देखें ग्राफ तो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है ठीक है तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है ये सॉल्वेंट का फ्रोजन सॉल्वेंट है ठीक है ये ये स्केल जो ग्राफ जा रहा है हमारा ब्लू वाली लाइन ठीक है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट है हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं पीछे को आ रहे हैं टेम्परेचर ठीक है टेम्परेचर डिक्रीज किया जा रहा है और ठीक है इधर को टेम्परेचर बढ़ रहा है और लेफ्ट में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो आप देखोगे कि कि पर पॉइंट वो है जो कि है जो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का फ्रोजन सॉल्वेंट का ठीक है यानी जो हमारे पास जो आइस है सॉलिड स्टेट में है ठीक है आप ऐसे समझो कि ये हमारे पास जो ग्राफ है ना ये जो लाइन है फ्रोजन सॉल्वेंट जो लिखा है ये वो सॉल्वेंट है जो कि क्या है कि ऑलरेडी हमारे पास सॉलिड स्टेट में है ठीक अब इसकी भी वेपर्स बन रही हैं और ये लिक्विड सॉल्वेंट है ये लिक्विड हम हमने टेम्परेचर गिराया है और टेम्परेचर डिक्रीज करते हुए वे इतनी वेपर्स बन रही हैं कि अब वो सॉलिड के वेपर के बराबर आ गए अब जैसे ही सॉलिड के वेपर के बराबर आ गए तो इससे नीचे ये सॉल्वेंट आपका फ्रीज होने लग गया है ना ठीक हो गया अब बात करते हैं हमारा तो कंडीशन तो तब तो है जब हम इसमें क्या ऐड करते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट तो जिस समय नॉन वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे किसी भी सॉल्वेंट में तो वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बन जाएगा और हम जानते हैं कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के ऐड करते ही वेपर्स गिर जाती हैं ठीक है ठीके? तो इतनी इतनी डिक्रीज हो गई हैं इतनी डिक्रीज हो गई हैं कि इस पॉइंट में यहाँ पर वो सफिशेंट नहीं है वो यहाँ आ के ये पॉइंट में आपके जो हैं ठीक है ठीके? आप समझ लीजिए इसको कैसे समझना है मैं इसको फिर से बता देता हूँ कि आपका वेपर्स जो होंगे डिक्रीज हुँगे, <AshELLE> तो हो जाएंगे ठीक है तो होगा क्या कि हमें टेम्परेचर और ज्यादा डिक्रीज करना पड़ेगा सॉल्यूट के ऐड होने के बाद जब सॉल्यूट ऐड कर दिया Solomon में तो अब तो अब सोल्यूशन होगा और जो का वेपर प्रेशर होगा वेपर प्रेशर वो हमें और ज्यादा नीचे गिराना पड़ेगा और इतना गिराना पड़ेगा कि तब जा के वो इस सोलवेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल आएगा यानी जो फ्रोजन सोलवेंट के सॉलिड स्टेट के और इस पॉइंट में आकर के वो फ्रीज होगा जिसको हम टीएफ से कर रहे हैं इसको बच्चों ऐसे समझ सकते हो अगर इसको और ज्यादा ईजी लैंग्वेज में बताऊँ तो अगर आप देखें इसके डायग्राम में इसका एक एक्सप्लेनेशन ऐसे भी दिखा देता हूँ जैसे हमारे पास ये कंटेनर है ठीक है और ये कंटेनर में तो हमारे पास सारे के सारे वे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है अब हम टेम्परेचर गिरा रहे हैं हम टेम्परेचर अराउंड जीरो डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं ये लिक्विड ये फ्रोज होना स्टार्ट फ्रीजिंग स्टेट के लिए क्या होगा बच्चों जब हम इसको फ्रीज करेंगे तो सारे पार्टिकल ना बिल्कुल पास पास आने स्टार्ट हो जाएंगे यही तो होगा यानी इसकी एंट्रोपी घटेगी एक चीज हमेशा याद रखिए ठीक फ्रीजिंग स्टेट में जो क्या करने जाते हैं हम जब हम टेम्परेचर इसका गिरा रहे हैं तो इनकी कैनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी कैनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो मॉलिक्यूल को एनर्जी शेयर करने के लिए पास आना पड़ेगा यानी इनकी एंट्रोपी डिक्रीज होगी और ये सॉलिड स्टेट में आ जाएंगे सारे मॉलिक्यूल ठीक है ये होगा प्योर सॉल्वेंट का ठीक है जब हम क्या करेंगे जीरो डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर रहेगा ठीक है आई होप क्लियर हो गया अब क्या करते हैं हम यहां पर इसको ऐसे समझते हैं कि हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है ठीक है मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए कोई दूसरा कलर ले लेता हूं सपोज ब्लू वाला तो ये हमारे पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है ठीक है अब हमें ये देखना है कि हमें यहां पर फ्रीजिंग स्टेट लानी है हमें तो इसको सॉल्वेंट को एंट्रोपी इसकी डिक्रीज करनी है ताकि ये बिल्कुल सॉलिड नेटवर्क हो जाए इसकी तरह है ना तो यहां पर भी क्या होगा जितने भी हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे वो स्टार्ट करेंगे इस तरीके से फ्रीज होना लेकिन अब क्या होगा बीच में आपका ये जो मॉलिक्यूल है हमारे सॉल्यूट के है ना ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जो हैं ये प्रिवेंट करेंगे ब्लॉक कर देंगे रास्ता ब्लॉक कर देंगे किसका सॉल्वेंट का ठीक है ये सॉल्वेंट का पार्टिकल हम टेंचर गिरा रहे हैं हम टेम्परेचर जीरो सिक्स डिग्री सेल्सियस किया है तो जीरो डिग्री सेल्सियस में क्या होगा कि हम जब टेम्परेचर गिराएंगे तो ये पार्टिकल आकर के बिल्कुल इसके साथ एंट्रोपी डिक्रीज होगी और ये सॉलिड स्टेट में एंट्रोपी मतलब डिक्रीज एंट्रोपी का मतलब रेंडमनेस अब मॉलिक्यूल अगर फैले हुए हैं एक्सपेंड कर रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ना लेकिन मॉलिक्यूल तो फैले हैं नहीं लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ रहे हैं अभी तक फैले थे अब सॉलिड स्टेट में आ गए और पास आ रहे हैं तो यहां पर भी जो है पास आना चाहते हैं ठीक है लेकिन पास आकर के जैसे ही सॉलिडिफाइड होना चाह रहे हैं बीच में कौन आ जा रहा है? तो इसको हमें टेम्परेचर हम तो कि तो को क्या कर दिया और ज्यादा जीरो डिग्री सेल्सियस से भी क्या कर दिया नीचे गिरा दिया ठीक है तो जीरो डिग्री सेल्सियस से भी हम टेम्परेचर कर देंगे सपोज माइनस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस को जैसा गिरा तब जाकर के इसके वेपर्स जो हैं आपके वो सॉल्वेंट के इक्वल आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ठीक है सो यही होता है रीजन बच्चों चूंकि जैसे कि कुछ एरियाज में जो है वहां सॉल्ट ऐड किया जाता है कैल्शियम क्लोराइड वगैरह ऐड कर दिया जाता है ताकि यही होता है कि वो पार्टिकल बीच में आ जाते हैं और उसको फ्रीज नहीं होने देते हैं क्योंकि शिकागो जैसे शहर हो गए अमेरिका के जहाँ पर हर समय बर्फ रहती है फिर हिली एरियाज में लेह लद्दाख में जहां पर विंटर्स में बहुत ज्यादा जो है बिल्कुल स्नोफॉल हो जाता है तो रास्ते खराब हो जाते हैं ब्लॉक हो जाते हैं तो वहां यही सॉल्ट यूज जा किया जाता ताकि जो यूज किया जाता ताकि जो है वहां के लिक्विड का वेपर प्रेशर बिल्कुल ही डाउन हो जाए और उसकी फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाए तो सपोज मान लीजिए वहां पर टेम्परेचर का जीरो डिग्री सेल्सियस के आसपास है तो वो लिक्विड लिक्विड ही रहेगा क्योंकि उसमें तो आपके नॉन वोलेटाइल सॉलिड है तो उसको अगर फ्रीज होना तो अराउंड जितना भी उसका पॉइंट है सपोज माइनस ट्वेंटी या माइनस थर्टी जब तक ये पॉइंट रीच नहीं होगा तब तक वो आ, फ्रीज होगा नहीं और जनरली पहाड़ों में जो है या हिली एरियाज में जो टेम्परेचर अराउंड जो है, 100 के रहता है या से तो यही रीजन है एज एंटी फ्रीज सोल्यूशन यूज किया जाता है ठीक है इसको आप नोट कर सकते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल ठीक है ये इसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है ओ एच सी एस टू सी एस टू ओ एच तो ये जो इथाइली ग्लाइकॉल है ये यूज किया जाता है कार्बोरेटर में ठीक है तो कार में यूज किया जाता है रेडिये, रेडिएटर में यूज किया जाता है ताकि उसमें जो वाटर है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट काफी नीचे गिर जाए तो अगर जीरो डिग्री सेल्सियस भी है आसपास सराउंडिंग में हिली एरियाज में तो वो फ्रीज नहीं होगा ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अब यहाँ पर बात करते हैं कि टेम्परेचर का चेंज हुआ है ठीक डेल्टा टी तो ये डेल्टा टी जो है ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में आप देख सकते हैं कि जितने ज़्यादा मॉल्यूल मॉलिक्यूल सॉल्यूट के बढ़ेंगे तो फ्रीजिंग तो और नीचे चले जाएगी है ना फ्रीजिंग पॉइंट तो इसका और बिल्कुल ही डिक्रीज कर जाएगा तो इसका हम देखते हैं कि डेल्टा टीएफ जो है ये भी आपका डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है मोलैलिटी के जस्ट लाइक इन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो हमें यहाँ पर यही देखने को मिला कि डेल्टा टी इज इक्वल टू के एफ एम जहाँ पर के आपका सेम बिल्कुल उसी पॉइंट में है इसका मतलब है आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ठीक है इसके एफ को बोलते हैं मोलल डिप्रेशन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है या इसका एक अदर नेम और है दैट इज मोलर क्रायोस्कोपिक सी आर वाई ओ एस क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ये भी कहा जाता है तो इसकी डेफिनेशन भी वही है कि भाई डिप्रेशन ऑफ ए लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर मोलल सॉल्यूशन एक मोलल सॉल्यूशन के लिए जितना भी डिप्रेशन हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट में उसी को हम क्या बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट बोलते हैं तो इस मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यूज को भी ठीक वैसे ही कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मुला भी है एम आर टी नॉट एफ ठीक है टी नॉट एफ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई था इन टू डेल्टा एच डेल्टा एच फ्यूजन यहाँ पर लगभग सारी वैल्यूज वैसे ही हैं मोलर एम जो है यहाँ पर मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है आर गैस कांस्टेंट टी नॉट एफ जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है प्योर सॉल्वेंट का और यहाँ पर डेल्टा एच फ्यूजन जो है इसका मतलब है कि मोलल इंथेलिपी ऑफ फ्यूजन ठीक है बाकी सारी वैल्यूज तो पिछले वाली वैल्यूज की तरह सेम ही है ठीक है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट आर गैस कॉन्सटेंट टी नॉट एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट यहां पर डेल्टा एच फ्यूजन का मतलब है मोलल, मोलर मोलर इंथेलेपी ऑफ फ्यूजन ठीक है मोलर इंथेलेपी ऑफ फ्यूजन इसको हम ये भी बोल सकते हैं लेटेंट हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी वही है जैसे कि ऑफ हीट ऑफ है है बस थोड़ा सा डाइवर्ट है। यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब यही है, कि में चेंज होना है, ने, फ्रीजिंग बनाना है वाटर को आइस में कन्वर्ट होना है तो जब लिक्विड को फ्रीज होना है तो वो अपने टेम्परेचर में चेंज नहीं करेगा लेकिन जो भी एनर्जी होगी उसको रिलीज कर देगा तो इसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ठीक है हिडन हीट है तो अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा लेकिन जो भी एनर्जी होगी वो रिलीज की जाएगी इसी को डेल्टा एच यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन रहेगी अब यहाँ पर भी हम मोलर मास मासजर्व मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं इन अ सेम वे जैसे कि हमने डेल्ट हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में कैलकुलेट किया था सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम ठीक जहाँ पर एम हमारे पास है मोलैलिटी और मोलैलिटी का मतलब है अगर हम डायरेक्टली देखें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन तो सारी अगर हमें पता हो तो यहाँ पर से भी इसी में किया जा सकता है तो ऑलमोस्ट सेम ही है ये प्रॉपर्टीज ये चेंज नहीं है डिफरेंट नहीं है ठीक है तो वैल्यूज लगभग बिल्कुल वैसे ही हैं बस इस समय जो है हम डिप्रेशन यानी फ्रीजिंग पॉइंट के लिए वैल्यूज को सारी कैलकुलेट कर रहे हैं अलग अलग डेल्टा टीएफ होगा तो वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी ठीक है तो यहाँ पर मोलर मास हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं आई होप आपको ये क्लियर होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर ये मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं नाउ लेट सी द अनदर क्वालिकेटिव प्रॉपर्टी दैट इज प्रेशर दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग ओके नाउ लेट सी ऑस्मोटिक प्रेशर तो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर से जानने को समझने के लिए सबसे पहले ऑस्मोसिस की एक डेफिनेशन डेफिनेशन देखते हैं कि क्या कहती है uh, when two of उन दोनों का कंसनटेशन डिफरेंट होना चाहिए अगर कंसनटेशन सेम होगा तो ऑस्मोसिस प्रोसेस हम नहीं देख पाएंगे तो पहले definition, definition देखते हैं, so when two

यानी अगर आप इसमें से सॉल्वेंट को आर पार करेंगे तो इजीली सॉल्वेंट अलग हो सकता है बट दे रेजिस्ट द फ्लो ऑफ सॉल्यूट यानी ये सॉल्यूट को बिल्कुल अलाउ नहीं करते क्योंकि उनका साइज इस मेम्ब्रेन में जो पोर्स है उनसे छोटा होता है ठीक है काफी छोटा होता है यानी सॉल्यूट का पार्टिकल का साइज जो है काफी बड़ा है तो सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज बड़े होने की वजह से ये इन होल्स से इन पोर्स से बिल्कुल ही आर पार नहीं जा सकते यानी पास नहीं हो सकते सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सेमी सेमीपर्म मेम्ब्रेन ठीक है तो बात करते हैं क्या है ऑस्मोसिस जब दो सोल्यूशन को दो टू सोल सूशन जिनका कंसेंटेशन डिफरेंट है और सेपरेटेड है ठीक है सपोज ये कंटेनर है हमारे पास और इसमें दो सोल्यूशन है ठीक है एक में सोल्यूशन ए है सोल्यूशन बी है तो ये जो लेयर है इसको हम बोल देते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ठीक है तो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मैंने फंक्शन बता दिया आपको कि ये केवल सॉल्यूट के पार्टिकल को अलाउ करती है

बट ये इसलिए ये इस तरफ से करेगा जहां पर कंसनट्रेशन लो सपोज हम मान लेते हैं कि बी में सोल्यूड का कंसंट्रेशन लो है ठीक है और यहां कंसेंट्रेशन हाई है देखिए ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा बी में सोल्यूट का कंसेंट्रेशन लो है क्योंकि कंसेंटेशन तो हम सोल्यूड के लिए मेजर कर रहे हैं और यहाँ सोल्यूड के पार्टिकल्स ज्यादा हैं यानी यहाँ सोल्यूड का कंसनट्रेशन हाई है तो लिक्विड जो लिक्विड अब लिक्विड कौन है यहाँ पर हमारे पास सॉल्वेंट सॉल्यूट तो आर पार जा नहीं सकता है ठीक है ना यहां का सॉल्यूट जा सकता है ना यहाँ का केवल सॉल्वेंट ही जा सकता है तो कौन सा वाला सॉल्वेंट फ्लो करेगा तो सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम वेयर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फ्रॉम लोअर टू मोर हायर साइड यानी बी से ए की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस सेमी परमेबल इसमीबल से फ्लो करते हुए पास हो जाएंगे ठीक है तो ये तब तक होते रहेगा असल में हो क्यों रहा है ये इसलिए हो रहा है ताकि दोनों तरफ कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम ठीक है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इक्वल हो जाए ताकि दोनों तरफ कंसेंट्रेशन बढ़ जाए देखिए कंसंट्रेशन बढ़ाने का बराबर सॉरी बराबर हो जाए तो कंसनट्रेशन को इक्वल करने का मतलब क्या है अब या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहां से सॉल्यूट के पार्टिकल को निकाल के बाहर फेंक दें ए से कुछ पार्टिकल निकाल लें सॉल्यूट के ठीक है हम उस सॉल्यूट के पार्टिकल को निकालते हैं और जितने यहां पर सॉल्यूट प्रेजेंट हैं हम उतने ही बना लेते हैं जितने बी में सॉल्यूट है सपोज बी में दस सॉल्यूट है टेन सॉल्यूट है और यहां पर थर्टी सॉल्यूट है तो आप ट्वेंटी सॉल्यूट को बाहर निकालो

ठीक है लो कंसनट्रेशन हो गया ठीक है बी वाली साइड में अब या तो हम क्या कर सकते हैं दोनों तरफ बराबर करने के लिए इस ए में से सॉल्यूट के पार्टिकल को निकाल सकते हैं या फिर हम बी में ऐड करते हैं अब हमें ऐसा तो करना नहीं है हमने तो प्रिपेयर कर दिया सॉल्यूशन तो यहां पर ऑटोमेटिकली ये दोनों तरफ सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन बराबर हो जाए इसके लिए क्या चाहेगा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल यहां से यहां फ्लो कर जाएं जिससे रेशियो बिल्कुल बराबर हो जाए जैसा कि मैं कह रहा हूं कि अगर यहाँ पर बी वाली साइड में फोर्टी लीटर पानी है तो यहाँ से थर्टी लीटर पानी जो है यहाँ पास हो जाए तो अगर थर्टी लीटर पास हो गया तो तो इक्वल टू उतना ही तो हुआ थर्टी थर्टी सोल्यूट फॉर थर्टी लीटर टेन सोल्यूट फॉर टेन लीटर तो जैसे ही हो जाएगा तो उस समय ये दोनों कंसनट्रेशन बराबर हो जाएंगे तो उस समय ये दोनों कंसनट्रेशन बराबर हो जाएंगे ठीक है ये जो प्रोसेस थी पूरी लोअर ट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ फ्लो करने वाली उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस इसी को बोला जाता है ऑस्मोसिस आई होप दिस इज क्लियर चलिए देखते हैं एक डेमोस्ट्रेशन भी देखते हैं देखिए यहाँ पर यही है आप देख सकते हो ये जो डायग्राम है इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि एक तरफ हमारे पास इस साइड सॉल्यूट काफी हाई है तो हाई कंसेंट्रेशन हुआ और यहाँ लेफ्ट साइड में देख सकते हो कि काफी कम सॉल्यूट है ठीक है लो है तो अब आप देख सकते हो दोनों तरफ कंसनटेशन तो बिल्कुल ही डिफरेंट है यहां पर जितना भी पानी है उसके कंपैरिजन में सॉल्यूट ज्यादा है और यहां जितना पानी है उसके कंपैरिजन में सॉल्यूट कम है तो अगर हम कंसेंट्रेशन बराबर करना चाहेंगे तो सॉल्वेंट के पार्टिकल लोअर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से कहा जाने लग जाएंगे हायर कंसेंट्रेशन की तरफ अब देखिए अब अगर ये कंसेंट्रेशन देखिए यहां से जब सोलवेंट के पार्टिकल जाने लग जाएंगे तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस बटे जाएंगे कब तक ये तब तक जाना जाएंगे जब तक कि दोनों तरफ दोनों तरफ कंसेंट्रेशन बराबर ना हो जाए विध रिस्पेक्ट टू सोल्यूट विध रिस्पेक्ट टू सोल्यूट बड़ा इंपॉर्टेंट है मतलब समझ लीजिए कि और यहाँ पर अगर फोर्टी लीटर वाटर है और यहां पर हमारे पास थर्टी सोल्यूट हैं जिनके कंपेरिजन में टेन लीटर वॉल्यूट सपोज ठीक है जितना भी है टेन लीटर है कुछ भी है

तो ये तब तक होगा ऑस्मोसिस तब तक फ्लो होगा जब तक कि जब तक कि दोनों तरफ सॉल्यू कंसंट्रेशन जो है इक्वल हो जाए। ठीक है? अब यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है तो इसको भी समझते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर हम समझेंगे किस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर को इसकी डेफिनेशन को भी समझते हैं ठीक है लेट सी दिस डाय ऑस्मोटिक प्रेशर का मीनिंग क्या है यहां पर अच्छा हमारे यहाँ सामने यहाँ पर दो कंडीशन है ये हमारे पास सॉल्यूट है और इनिशियल स्टेज है ठीक है और आपको दिखाई दे रहा है पहले वाले डायग्राम में इनिशियल स्टेज में सेमी परम मेम्ब्रेन लगा रखी है यहाँ पर और यहाँ पर काफी हमारे पास सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा हैं और यहाँ सॉल्यूट के पार्टिकल आपको दिखाई भी नहीं दे रहे यानी बिल्कुल ही कम है ठीक है हम ये भी कह सकते हैं लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट या जीरो कंसेंट्रेशन बट इट इज हाई है ना डिफरेंस होना जरूरी है ना ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए सॉल्यूट दो तरफ यानी दो सॉल्यूशन के बीच में कंसंट्रेशन का डिफरेंस होना चाहिए तो हमने देखा इजीली दिखाई दे रहा है ठीक है के यहां जाने लग जाएंगे, ताकि दोनों तरफ कंसनट्रेशन क्या हो बराबर हो जाए दोनों तरफ कंसनट्रेशन क्या हो इक्वल हो जाए तो इस प्रोसेस में यहाँ पानी जब एंटर होगा तो वाटर का लेवल भी बढ़ेगा आप देख सकते हो वाटर का लेवल बढ़ गया है

तो देखिए जब ये लिक्विड एंटर होगा तो क्या ये लिक्विड का वेट इस कॉलम में आ गया पूरे कॉलम में ये वेट जो होगा एक समय बाद ये लिक्विड राइज होना बंद हो जाएगा सपोज ये इस पॉइंट में लिक्विड राइज होना बंद हो गया ठीक है मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ ये लिक्विड का राइज होना हमारा बंद हो गया ठीक है यहाँ से किसी प्रेशर से लिक्विड एंटर कर रहा था लोअर से हायर की तरफ और एंटर करते करते धीरे धीरे ये लिक्विड राइज हुआ और इस पॉइंट में रुक गया तो रुकने का वजह क्या हुआ क्या फर्दर सॉल्यूशन नहीं क्या फर्दर लिक्विड नहीं जा पा रहा इसका मतलब कि यहाँ पर जो पूरा लिक्विड का कॉलम है ये पूरा इसका वेट जो है एम सपोज जो भी इसका वेट है इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और ये वेट इक्वल हो गया होगा इस प्रेशर के जिस प्रेशर से लिक्विड लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ एंटर कर रहा था तो जिस समय ये प्रेशर और ये वेट इक्वल हो गए तो इसका मतलब फ्लो करना बंद कर जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ इस समय ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है तो यही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है आई होप समझ गए होंगे आप ठीक है क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर कि समझ लीजिए कि वो प्रेशर इसकी डेफिनेशन बना दे बता देता हूं वो प्रेशर जिससे जिस समय जिस समय लिक्विड का फ्लो करना बंद हो जाए तो उस प्रेशर को बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है है लिक्विड तो इसलिए हो हो रहा है, ताकि इक्वल जाए लेकिन लिक्विड का कंसनट्रेशन इक्वल होने के चक्कर में यहां पर पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि उसके द्वारा पड़ने वाला वेट इस प्रेशर के इक्वल हो गया जैसे ही वो इस प्रेशर के इक्वल हो गया लिक्विड का फ्लो बंद हो गया इस ही इस स्टॉपेज ये स्टॉपेज आया तो हम रीडिंग नोट कर लेंगे कि यार इसका वेट कितना होगा वही वेट इसके प्रेशर के बराबर होगा और वही क्या कहलाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा आई होप दिस इज क्लियर अब अगर इस केस में थर्ड कंडीशन कंडीशन बना दी जाए यानी इक्विलिब्रियम बोलेंगे हम इसको तो ठीक है जिस समय बराबर हो गया अब कोई फ्लो नहीं हो रहा है फ्लो क्यों नहीं हो रहा मैंने रीजन बता दिया कि इसका वेट जो है इसके इंटरनल प्रेशर के इक्वल हो गया जिस प्रेशर से अंदर एंटर कर रहा था और जो वेट इसमें एग्जर्ट हो रहा है वो दोनों बराबर है और उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक अगर इस केस में हम बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगाने लग जाए सपोज हम बाहर से प्रेशर लगाते हैं और हमारे प्रेशर लगाने से क्या होगा हम तो प्रेशर एक्सटर्नल लगा रहे हैं तो ये सारा सॉल्वेंट जो है वो हायर से लोअर की तरफ मूव करने लग जाएगा है ना तो यहां पर समझिए क्या होगा जब हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे इस पॉइंट को रीच करने के बाद ठीक है और हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा कि सारे सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूट के पार्टिकल तो बिल्कुल नहीं जा सकते सेमी से लेकिन सोलवेंट के पार्टिकल जब यहां हायर से लोअर की तरफ जाने लग जाएंगे ठीक है तो हमारे एक्सटर्नल प्रेशर के कारण तो इसी को बोलते हैं रिवर्स रिवर्स ऑस्मोसिस इसको क्या बोलेंगे ऑस्मोसिस और बच्चों इसी का शॉर्ट फॉर्म जो है आर ओ होता है आर ओ आपने आर ओ कई बार सुना होगा ना वाटर प्योरिफाई में तो उसमें यही फंक्शन होता है रिवर्स ऑस्मोसिस जिसकी वजह से क्या है कि सारे प्योर वाटर देखिए जहां पर कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का यानी जितनी भी गंदगी होगी हाई डर्ट वगैरह या फिर जो जो भी उसमें मिनरल्स जो भी होंगे उसमें तो उसमें से वाटर को प्योर करके हाँ, रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू कलेक्ट किया जाता है यही होता है आई होप दिस इज क्लियर कि क्या कैसे हम ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मीनिंग होता है अब इसी के लिए एक इक्वेशन बनी है इस प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए ठीक है हम उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक है उसका मीनिंग देख लेते हैं और इसको बनाया है वेंट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूशन ने ठीक है तो वेंट ऑफ थ्योरी ऑफ डाइल्यूशन जो है बिल्कुल गैस लॉक के ही कंपैरिजन में उसी से कंपेयर्ड करके बनाई गई है ठीक और वो क्या है देखिए जैसे कि हम जानते थे बॉयल्स लॉ कहता था कि भाई प्रेशर इज डायरेक्टली ना तो यहां पर हम ऑस्मोटिक प्रेशर को पाइसे डोनोट करेंगे तो सबसे पहले यहां पर आएगा बॉयल वेंट ऑफ वेंट ऑफ लॉ ठीक है तो बॉयल वेंट ऑफ लॉ कहता है कि जो पाई है यानी जो प्रेशर है, पाई को डिनोट किया जा रहा है प्रेशर से ठीक है ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के ठीक जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा ऑस्मोटिक प्रेशर लगेगा ठीक है उतना ज्यादा वो राइस करेगा और उतना ज्यादा प्रेशर भी एक्सर्ट होगा किसी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में ये जरूरी है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ठीक हो गया अब इसी में सेकेंड लॉ है वो है गे लूसेक वेंट ऑफ लॉ ठीक है गे लूसेक वेंट ऑफ लॉ और गे लूसेक वेंट ऑफ लॉ कहता है कि जो पाई है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के भी है आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर पाई जो है डायरेक्टली प्रपोर्शनल ठीक है वो किसके है टेम्परेचर के भी है तो हम ये भी कह सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू पाई ए, हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं ठीक है फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन तो अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दें तो हम ये कह सकते हैं पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो टू कंसनटेशन एज वेल एज टेम्परेचर कंसनटेशन एज वेल एज टेम्परेचर तो हम पाई इज इक्वल टू आर सी टी कर लेते हैं जहां पर आर जो है हमारा सॉल्यूशन कॉन्स्टेंट है ठीक है आर इज सॉल्यूशन कांस्टेंट ठीक है जिसकी वैल्यू जो होगी वो होगी जीरो पॉइंट जीरो एट टू वन लीटर एटमोस्फेर कैलविन इनवर्स मोल इनवर्स क्योंकि हम यहाँ पर सॉल्यूशन को वॉल्यूम के टर्म में लेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला है पाइजिकल टू सी आर ठीक है अब हमने ये जो वैल्यू निकाली है ये वन मोल के लिए सपोज एन मोल्स हैं वहां पर ठीक है हमारे पास जो कंसनटेशन सी है ठीक है वो तो कंसंटेशन है ये सी तो कंसंटेशन है अब वहां पर एन मोल हो सकते हैं दो मोल तीन मोल चार मोल है ना जो भी हमने कंसनटेशन ले रहे हैं ए और बी साइड में जहां भी ऑस्मोसिस हम देख रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर अगर हम कहें कि इज इक्वल टू और C मतलब कहेंटेशन कंसनटेशन का मतलब होता है मोल पर लीटर ठीक है यहाँ पर कंसनटेशन का मतलब क्या है मोल पर लीटर हम साइड में लिख देते हैं सी इज इक्वल टू एन बाई वी यहाँ पर एन का मतलब क्या है मोल वॉल्यूम जो है वो लीटर में मेजर किया जाएगा तो हमारे पास बन गया। पाई पाई इज़ इज़ इक्वल इक्वल टू टू अपॉन वी वी या तो इस फॉर्मुला से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को अब यदि अगर आपने इसका ऑब्जर्वड मोलर मास निकालना है तो वो इसी फॉर्मले से ही निकाला जाएगा इक्वल टू एन आर टी अभी अभी आपने कैलकुलेट किया और एन का मतलब होता है गिवन मास मास ऑफ ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट अपॉन मोलर ठीक है तो यहां से ऑब्जर्वड मोलर मास भी कैलकुलेट किया जा सकता है अब यहां पर बच्चों कुछ बात ये करते हैं कि अगर दोनों तरफ सॉल्यूशन बराबर हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन और ऐसे को हम बोलते हैं आइसो ऑसमोसिस ठीक है तो कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन के हमें ये फैक्टर भी पता होने चाहिए इसका मीनिंग क्या है ठीक है या इसका मीनिंग ये है कि अगर दोनों तरफ सेम हो जाए यानी जैसे हमने वॉल बनाई थी ना ये कंटेनर बनाया था और बीच में सेमी मेम्ब्रेन थी अगर दोनों तरफ कंसनटेशन इक्वल हो जाता है सेम हो जाता है आइसोटोनिक आइसो मतलब मतलब सेम टोनिक मतलब स्ट्रेंथ तो ऐसे सोल्यूशन को ऐसे हम जहाँ दो सोल्यूशन में कंपेयर बोलते हैं हम बोलते हैं उसको आइसोटोनिक सोल्यूशन और इनके बीच में जो ऑस्मोसिस है उसको भी क्या कहा जाता है आइसोटोनिक टू डायलिट सोल्यूशन सेम मोलर कंसनटेशन एट गिवन टेम्परेचर तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा

हाइपोटोनिक अब बच्चों इसके कुछ एप्लीकेशन है जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं ठीक है ठेके? और जैसे कि सबसे ज्यादा इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो हम रेजन्स भिगाते हैं या ड्राई uh, uh, हम जैसे कि बा, बादाम अलिमेंट्स होते हैं जिनको बादाम बोलते हैं हम सुबह तक उनको देखते हैं कि वो पानी में वो स्वेलिंग फूल उनको फूल के भर जाते हैं तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही होता है वाटर एंटर थ्रू द ऑस्मोसिस प्रोसेस जब किसमिस को भिगा के हम जो देखते हैं सुबह तक फूले हुए मिलते हैं है ना तो यहाँ पर यही इसका ऑस्मोसिस प्रोसेस है और कई बार इसका ह्यूमन बींग में भी यूज किया जाता है ठीक है और ह्यूमन बींग में भी जो है जब इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है तो इसमें क्योंकि इंजेक्शन जब हम एज अ मेडिसिन डॉक्टर देता है तो उसमें जो है कुछ परसेंटेज सोल्ट के जीरो पॉइंट नाइन परसेंट के बराबर उसमें कंसेंट्रेशन रखता है उस इंजेक्शन के अंदर जो हमारी मेडिसिन होती है वो इसलिए क्योंकि जब वो इंजेक्ट किया जाता है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी में जो प्लाज्माज होते हैं छोटे छोटे उनके अंदर है जो है ऑस्मोसिस जो है आइसोटोनिक हो जाए वरना क्या होगा कि जो हमारा इंजेक्टेड मटेरियल होगा वो इंजेक्टेड मटेरियल जब बॉडी के अंदर जाएगा तो वो सेल जो होंगे हमारे प्लाज्मा उनको फुला देगा वो और मोटे जाएंगे तो और बर्स्ट हो जाएंगे जिससे क्या हो जाएगी बॉडी के अंदर सेल डैमेज हो जाएगा तो कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है यही है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है किडनी के फंक्शन में भी रोल प्ले करता है किडनी में भी जो है वाटर को प्योरीफाई करने में यही ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही किया जाता है कुछ इंपॉर्टेंट ये है कि जो वेजिटेबल्स में आप देखते हैं कि हर समय हम उसमें वाटर्स को यूज़ करते हैं वरना उसका पानी बिल्कुल यूज़ किया जाता है रूट्स से पानी लिया जाता है है ना प्लांट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया करते हैं ठीक है तो वो अपनी फ्रेशनेस इसीलिए खो देते हैं क्योंकि उसमें ऑस्मोसिस होता है के थ्रू जो है वो पानी जो है बिल्कुल बाहर निकल आता है है ना तो इसी वजह से जो है फ्लावर्स ड्राई हो जाते हैं तो ये काफ़ी सारे एप्लीकेशन हैं ऑस्मोसिस के आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा कैसे हमने जो है क्वालिकेटिव प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझा ठीक है थैंक यू वेरी मच